हेलो फ्रेंड, आप लोग ये जो बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स के अंदर चाइना सीआरटी कलर टीवी का किट है जो कि एकदम न्यू है। मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि न्यू किट लगाते समय क्या-क्या बातों का ध्यान देना चाहिए आपको, ठीक है? तो इस वीडियो में यही बताऊंगा आपको और मैं इसको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, ठीक है? देखिए, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो देखिए, ये इसका रिमोट है, ठीक है? ये इसका रिमोट है, ये आपका साउंड का और मेन एसी का रहेगा शायद, ठीक है? या उसका डिकोजिंग कॉइल का रहेगा, ठीक है? ये वायर कनेक्टर है, ठीक है? ये आपका हो गया कीपैड प्लस सेंसर, सब इसी में इनबिल्ड है, ठीक है? और ये आपका है बोर्ड, तो देखिए आपका किट है। मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ, तो देखिए फ्रेंड, आपका ये देखिए न्यू किट है चाइना का सीआरटी टीवी का, ठीक है? तो इसको इंस्टॉल करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात जो है आप वो जान लीजिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, न्यू किट आता है, ठीक है, उसको डायरेक्ट हम लोग डाल देते हैं, फिर 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद या तो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद हमको फिर से उसका कंप्लेन आता है कि हमारा टीवी ऑन नहीं हो रहा है, चल नहीं रहा है, कुछ नहीं होता है, बस ड्राई शोल्डर होता है, ठीक है? ड्राई शोल्डर हो जाता है इसके कारण। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें क्या, मैं आपको जरूरी बातें हैं जो आपको बताना चाहता हूँ। क्या होता है कि जब भी न्यू किट इंस्टॉल करते हैं तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद, ठीक है? तो प्रॉब्लम कुछ बड़ा नहीं रहता है, बस ड्राई शोल्डर का रहता है, कहीं कहीं ड्राई शोल्डर हो जाता है, इसके कारण हमारा साउंड नहीं बचता है, हमारा वर्टिकल आईसी जो वर्टिकल साइज होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन का, ये सब का प्रॉब्लम होता है, और कभी कभी टीवी को हाथ से ठोकने से टीवी ऑन होता है, बंद हो जाता है। तो ज़्यादा कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, बस ड्राई शोल्डर का होता है, और न्यू किट में ये ज़्यादा करके पाया गया है, ठीक है? तो न्यू किट को इंस्टॉल करने से पहले बस यही कहूँगा आप लोग से कि ये देखिए जो एसटीआर लगा है, आप एसटीआर को एक बार इसको रीसोल्डर करें, और आपके चॉपर को भी रीसोल्डर करें, यहाँ के जो डायोड उसको रीसोल्डर करें, और आपके ईएसटी को भी रीसोल्डिंग करें, एकदम अच्छे से इसको सोल्डिंग करें, ठीक है? इस पर भी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा साउंड आईसी का आता है, जो साउंड आईसी के इसके जो जो शोल्डर होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, ठीक है? तो इसके कारण भी हमको नो साउंड का जो प्रॉब्लम आता है न्यू किट में, इसके ज़्यादा ज़्यादा ड्राई शोल्डर का ही रहता है, ठीक है? और जो मेन आईसी होता है ना, इसका पूरा इसको रीशोल्डर कर दें, ठीक है? इसका शोल्डर साफ, पूरा साफ करके अच्छे से, फिर अच्छे से इसको सोल्डिंग करें, ठीक है? स्पेस बना के, ताकि जो पिने आपस में शॉर्ट ना हो, ठीक है? और हमारे मेमोरी आईसी को भी सोल्डिंग कर दें, जो हमारे यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा रहता है जो इसको स्विच करता है, जो 1803 को स्विच कराता है, ठीक है? इसको भी ड्राई, जो डीटी ट्रांसफार्मर रहता है इसको भी सोल्डिंग करे अच्छे से, जो हमारा ये आपका एच आउटपुट ट्रांजिस्टर इसको भी अच्छे से सोल्ड करे, एकदम मोटा सोल्डिंग करे, ठीक है? क्योंकि जहाँ जहाँ हमको ज़्यादा, मतलब जहाँ पे ज़्यादा पावर यूज होता है, वहाँ पे जैसे यहाँ पे 110 आता है, वहाँ पे अच्छे से मारे, ईएसटी पे भी ज़्यादा अच्छे से मारें, और इस मेन आईसी पे मारें, और ये हमारा वर्टिकल आईसी है देखें, जिसका नंबर रहता है 7804570040, इस पे मारे, ठीक है? इसको अच्छे से, इसका क्या करें, इसका सोल्डिंग निकाल के फिर से इसको सोल्डिंग अच्छे से करें, ठीक है? और देख ले किट को अच्छे नज़र से, आप देख ले, क्योंकि कितने मैकेनिक लोग होते हैं देखते नहीं, लगा देते हैं, फिर 2-3 महीने बाद उनको कंप्लेन आता है कि भैया जो आपने किट लगाया अच्छे से चल नहीं रहा है।
तो इसको क्या करेंगे, जब तक आप मतलब इसको आप सोल्डिंग कर देंगे अच्छे से ना, तो आपका ये बेहतरीन चलेगा। ये मार्केट में नया आया हुआ है, इसका कंप्लेन उतना ज़्यादा नहीं है। बस इसको जो मैंने बोला, इसको ड्राई सोल्डर जो रहता है इसको रीसोल्डर कर दे, ठीक है। ये किट अच्छा चलता है। मैंने एक किट किसी के टीवी में लगाने के लिए नहीं लिया है, मैंने एक किट लिया है। मैं सीआरटी टीवी का कोर्स चालू करने वाला हूँ, मतलब एक एक स्टेप। ये आपका जितना बस इतना ईएमआई सेक्शन है इसका, फिर पावर सेक्शन है, पावर सप्लाई सेक्शन, फिर आपका मतलब एक एक सेक्शन, हर एक एक स्टेप बताऊंगा आपको एक एक वीडियो में इसके बारे में। ये आईसी को कितने वोल्टेज रिक्वायर्ड है, साउंड आईसी, वर्टिकल आपका एच आउटपुट, ये सब क्या कितना मतलब इसका रिक्वायर्ड है, कैसे कहाँ पे वोल्टेज कितना चेक करते हैं, डायग्राम के साथ, ठीक है। एक एक वोल्ट एक एक वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में। इसके लिए मैंने बस आप लोग के लिए ये किट मैंने परचेज किया है, ना कि किसी के कस्टमर के टीवी में लगाने के लिए। ये देखिए इसका कीपैड है इसके साथ, ठीक है। ये आपका डिकोजिंग का रहेगा, और ये आपका आपका जो वीडियो सेक्शन होता है उसका रहेगा, और ये आपका ऑडियो का, और इसका ये रिमोट देखिए, ठीक है। तो फ्रेंड मैंने बताया कि इसको लगाने से पहले इसको अच्छे से रीसोल्डिंग करके तभी लगाएं, ठीक है, ताकि आपको कंप्लेन ना मिले। कंप्लेन नहीं आएगा आपको, अच्छा आपका काम रहेगा, तो कस्टमर खुद भी खुश रहेंगे, कस्टमर खुश रहेंगे तो आप ऑटोमेटिक खुश रहेंगे। तो फ्रेंड मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।